ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। बच्चे लोग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। ओके सो टू पर्संस आर मिसिंग स्टिल। कोई मुझे बताएगा कंडक्टेंस आपने सुना था क्या? कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। Reciprocal of resistance was called conductance. Do you remember what was the unit of conductance? So ohms raised to minus 1. That is ohm raised to minus 1. Or dusra naam kya tha, kisi ko yaad hai? Sir Siemen. What was the other name? Sir Siemen. Yeah, that's right. That's right. Or Siemen. कोई मुझे अपने मन से बताएगा अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस तो किसका रेसिप्रोकल विल बी कंडक्टिविटी? एनीबडी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वेरी राइट। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ब्रैकेट क्लोज इज कॉल्ड कंडक्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्ट। यू कैन गो ऑन राइटिंग अलोंग विद मी। देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू वन अपॉन क्या है? सिंबल क्या था रेजिस्टिविटी का? सिंबल क्या था? What is the symbol of rho? Okay, what will be unit here? Per ohm meter. Or ohm meter raised to minus 1. Or Siemen per meter. Or Siemen per meter. Take useful note, Aliko. रशिया इक्वल टू इंग्लैंड अपॉन जापान ऐसे याद रखो। सम ऐसा रफ मेथड रशिया इक्वल टू इंग्लैंड अपॉन जापान। इंग्लैंड को जापान से डिवाइड करेंगे तो रशिया आता है ऐसे। दिस इज नॉट टू बी रिटन इन द एग्जामिनेशन। ना ध्यान रखना रशिया मीन्स रो, इंग्लैंड मीन्स ई, जापान मीन्स जे। डायरेक्ट रिजल्ट है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ दिस। What is rho stands for? Rho? Specific of resistance and resistivity. That is specific resistance or resistivity. Very good. Very good. Bahut achha answer. I like this type of answer. What if E stands for? Eat ke time pe Jitendra nahi tha. What if E stands for? Electric intensity. Electric intensity. And what is J stands for? J ke time pe bhi ye nahi tha. Jitendra nahi tha. What is J? Current density. Current density. So tell me one thing, therefore can I say J equal to what? E by rho. Can I say J equal to E by rho? But what is 1 upon rho? Is sigma, that is equal to sigma into E. So you can just take this result for granted. Take this result for granted. It's a proof nahi hamare syllabus mein. Because 1 upon resistivity is conductivity. Conductivity into electric intensity is nothing but current density. So in that little where rho equal to specific resistance E equal to electric intensity then you can write J equal to current density. Current density is what upon what? Ohm mystery. Yes, sir. Current density is what upon what?
ओम मिस्त्री मार्ज करंट डेंसिटी क्या था, ऊपर क्या नीचे क्या? मार्ज ओके देन प्रिशा व्हाट इज करंट डेंसिटी? प्रिशा शेट्टी आज वापस बोल नहीं रही हो तुम। विधि करंट अपॉन एरिया आई अपॉन ए करंट अपॉन एरिया ऑल राइट एंड सिग्मा इक्वल टू कंडक्टिविटी दिस इज एरिया दिस इज नॉट एम्पियर करंट और इधर एरिया ओके हो गया कॉपी मारा सर कॉपी रशिया इक्वल टू इंग्लैंड अपॉन जापानी बता जी फॉर्मूला इसलिए मैंने कुछ रो इक्वल टू ई अपॉन जे रशिया इंग्लैंड और जापान का फॉर्मूला बोल तो आपको बोलने का रो इक्वल टू ई बाई जे फिर मैं बोलूंगा रो क्या है तो बोलने का व्हाट इज रो मैं भूल गया व्हाट इज रो स्पेसिफिक ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दैट इज राइट स्पेसिफिक ऑफ नहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी गुड जितेंद्र आई एम रियली हैप्पी मिटा दो इसको सर हाँ ओके मिटा दो एक दो प्रॉब्लम जरा मैं फास्ट फास्ट देखता जाता हूँ कैन डू इट दे आर इन आवर नोट्स क्वेश्चन नंबर 74 होमवर्क लिखो एंड क्वेश्चन 75 करेंगे क्वेश्चन 74 यू विल डू अस होमवर्क विल डू क्वेश्चन 75 विल डू क्वेश्चन 75 बिटा दो इसको केयर अबाउट Yes, sir. Question number 75. G1 भी बोल सकते हैं G1 Then to find and then solution given to find and then solution. Now who will read? Who will read this problem? I would like somebody to read. Maaz, aap read karo question 75. Book hai aapke paas? Yes, sir. Two resistors 1k ohm and 2k ohm are connected in parallel combination. Find equivalent resistance of parallel combination when this parallel combination is connected to 9
वोल्ट सप्लाई बाय नेगलेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करन थ्रू ईच रेजिस्टर. पहले आर इक्विवेलेंट चाहिए, फिर दूसरा करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. बहुत इजी है, मेरे मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है. पहले तुम लोगों ने होमवर्क बहुत अच्छा सबमिट किया था एक्सेप्ट मास एंड ओम, बाकी सब ने किया था प्रॉपरली. आई एम नॉट आई डोंट लाइक सॉल्यूशन करने का. अरे के ओम क्या है? के ओम यानी क्या? के ओम यानी क्या? के ओम थाउजेंड, दैट इज राइट. रिमेम्बर वन एक रिजल्ट लिख के रखो, 1K ohm यानी 1000 ohm यानी कि 10^3 ohm. ये लिख के रखो टॉप पे, दिख ही नहीं रहा आपको, सॉरी. 1 kilo ohm is 1000 ohm, or you can say 10^3 ohm. Okay. Therefore, R1 equal to 1000 ohm. R2 equal to 2000 ohm. They are connected in parallel. डायग्राम दिया नहीं है लेकिन हम लोग बना सकते हैं डायग्राम. ऐसे जरूरी नहीं कि यही डायग्राम बनाओ, कोई ऐसा बनाएगा तो भी चलेगा. सुनो, कोई ऐसा बनाएगा, छोटी छोटी बातें हैं जो कि ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा. यू प्रिफर दिस और दिस? ऊपर वाला है नीचे वाला? यू प्रिफर ऊपर वाला कि नीचे वाला? बोथ आर वन एंड द सेम. ये ड्रॉ करो या ये ड्रॉ करो? Both are exactly one and the same. मिटा दूं इसको? मिटा दूं? बोलो बोलो. मिटा दूं? Okay. तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, दे बी देयर इन सीरीज और पैरेलल? पैरेलल. तो आर इक्विवेलेंट, फिर आई सी द फॉर्मूला, आर वन इनटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, यानी कि 1000 इनटू 2000 अपॉन 3000. ये तीन जीरो से तीन जीरो गए, दैट इज 2000 अपॉन 3. And our equivalent answer avega. Our equivalent answer avega 666.6 ohm. All right. And since 1000 ohm and 2000 ohm are in parallel, therefore V1 equal to V2 equal to V equal to 9 volt. क्योंकि ये दोनों parallel में, तो इसका voltage, इसका voltage, इसका voltage एकदम same होगा. Therefore I1 equal to V upon R1 या V1 upon R1 जो भी बोलना है. That is V upon R1. यानि V कितना है? V है 9 और R1 कितना है? 1000. So I1 का आंसर आएगा 9 × 10^-3 ampere. इसको मैं मिली एम्पियर में लिखना चाहता हूँ. Anybody can tell me what should I do?
यू नो 1 मिली एम्पीयर यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो 1 मिली एम्पीयर इज 10 रेज टू माइनस 3 एम्पीयर, डू यू नो दिस? ये मैंने आई थिंक क्वेश्चन भी पूछा था टेस्ट में. यस सर. 3 एम्पीयर, तो यहां पे क्या लिखूं? आई कैन राइट दिस इज 9 मिली एम्पीयर. I2 क्या होगा? V2 by R2, यानी कि V by R2, यानी कि 9 by कितने हैं? 2000. That is equal to 4.5 upon 1000. यानी कि 4.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर्स. I2 का आंसर कितना आएगा भाई? कितना लिखू मिली एम्पियर में? मिली एम्पियर में कितना लिखू? फोर पॉइंट फाइव मिली एम्पियर. 74 के लिए जगह छोड़ा. एवरीबडी मस्ट कंप्लीट द होमवर्क. आपने 10th में ये फॉर्मूला किया था ना 10th में? एंड योर 10th I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. ये था क्या फॉर्मूला? हाँ. इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. या दैट इज राइट. हैव यू डन दिस प्रॉब्लम? हैव यू डन दिस फॉर्मूला? यस सर. अच्छा ICSE. व्हाट अबाउट 10th स्टैंडर्ड SSC बोर्ड में था ये फॉर्मूला कि नहीं? ये था कि नहीं? इसको ई भी बोलते हैं, इसको कभी कभी ये लोग ई बोलते हैं. हम लोग वी बोल रहे हैं ना, उसके बदले ई भी बोलते हैं. दिस इज एज गुड एज जी. ओके आई वुड लाइक टू गिव वन नोट. एक नोट लिखो. मिटा दो इसको. एक बार रूलर मारूं क्या? रूलर माज. ओ माज. यस सर. रूलर मारने की जरूरत है एक बार? यस सर. ओके देखो. अंडरस्टैंड. वो बोलते हैं 1 किलो ओम 2 किलो ओम. इसको के ओम नहीं पढ़ देगा. क्या पढ़ देगा? 1 किलो ओम 2 किलो ओम. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज अटैच्ड. पहले तो आर इक्विवेलेंट कितना है, रिजल्टेंट कितना है, फाइनल कितना है, और दूसरा वो इज करंट. अरे हाँ वो तो बाकी है. हाँ निकल गया. करंट थ्रू इज रजिस्टर. यहाँ से करंट कितना जाता है, यहाँ से करंट कितना जाता है, वो कुछ है. 1 मिली एम्पियर इज 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर. ऑलराइट. R equivalent because there are only two, so we know the formula R1 R2 upon R1 plus R2, so 1000 into 2000 upon 1000 plus 2000 is 3000. Ye zero, teen zero gaye. 2000 upon 3, that is 666.6 ohm. Since 1000 and 2000 ohm are parallel, therefore ye, teenon ka potential same hoga, equal to 9 volt. V1 equal to V2 equal to V equal to 9 volt. I1 will be what? V1 upon R1, ya V upon R1. 9 upon 1000, R1 is 1000. So 9 into 10 is to minus 3 ampere, that is 9 milliampere. What is I2? V2 upon R2, yani V upon R2, 9 upon 2000, that is 4.5 upon 1000, that is 4.5. So I2 will be 4.5 milliampere. एक है ना छोटा नोट लिखो. इसका प्रूफ बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक रिजल्ट देना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट. ऐसा लिखो, प्रूफ लिखो, प्रूफ. ये जो कि अभी अफीफ बोले थे ना, उसने किया था 10th में, उसका देखो. मैं आपको सिंपल एकदम सिंपल वे में बताता हूँ. सपोज देर आर टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2.
they are connected in series to a battery of EMF E. यहाँ पे EMF क्या होता है? I'll explain. वो V के दिमाग माफ़ा क्या होता है? लेकिन E का मतलब क्या बताऊँगा? And internal resistance small r. Cell है ना cell, जो cell होती है ना जो battery जो current supply करती है, उसके अंदर जो solution रहता है, वो ही oppose करता है current को flow होने से. तो उसको बोलते हैं internal resistance. उसको denote करते हैं छोटे r से. तो एक important result दे रहा हूँ. पहले what is r? Equivalent, let us say R will be equal to R1 plus R2. I का formula जब हम लोग निकालेंगे ना current flowing through the circuit I, तो it will be equal to E upon capital R plus small r, or that is E upon R equivalent plus small r. ये formula ध्यान में रखो. अगर ये दिया होगा ना ये, तो हम लोग ये करेंगे, नहीं तो अपना V by R जो मेथड था वही करेंगे V by R. लेकिन E दिया होगा तो R plus small r दिया होगा तो what is small r means? Small r is called what? बोलो. Internal resistance. Internal that resistance. Is like internal resistance of the cell. ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ये हमारी 11th स्टैंडर्ड में इसका प्रूफ है. I am going to do the proof also of this, but right now we'll apply in a formula. Once again, what is small r? जो cell होती है ना, cell के अंदर solution रहता है. That solution opposes the flow of current. That opposition given by voltage solution of the cell itself is called as internal resistance. वो कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते. देते तो यहाँ पे ऐड करने का, नहीं देते तो इसको जीरो मान लेने का. हम लोग अभी तक जीरो मानते आए हैं क्योंकि हमको नहीं दिया था. I hope that's clear. Is that clear? उसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे. अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन 76. क्वेश्चन 76. ओम मिस्त्री विल रीड क्वेश्चन 76. क्वेश्चन 76. A network of resistor is connected to a 14 volt battery with internal resistance 1 ohm as shown in the circuit diagram. First, calculate the equivalent resistance. Second, current in each resistor. Third, voltage drop VAB, VBC and VDC. Hey, 2507. डायग्राम दिया हुआ है तो सबसे पहले डायग्राम बना लो आप लोग. खाली इसमें फर्क यह है कि हमने ना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया था, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है. चलो डायग्राम ड्रॉ करो.
पहला हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाउ विल यू डू, ये दो का आर वन प्लस आर टू, दैट्स राइट। नहीं नहीं ये दोनों का नहीं, फोर ओम फोर ओम पैरेलल में होते हैं ना बेटा, तो पैरेलल में ऐड नहीं किया जाता, अपॉन आर अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, दैट इज राइट। और डायरेक्ट आंसर क्या है दो के लिए, आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। इसको मैं ऐसे ऐसे करके इसको बोलता हूँ आर वन, इसको ऐसे ऐसे करके ये तो इसको ऐसे ऐसे करके बोलता हूँ, इसको क्या बोलू आर टू। व्हाट इज आर वन इक्वल टू, 4 into 4 upon 4 plus 4, यानी कि 16 upon 8, यानी कि 2 ohm. What about R2 equal to 6 into 6 upon 6 plus 6, यानी 36 upon 12, that is equal to 3 ohm. Therefore, जो नया आएगा वो कितना होगा? पूरी सर्किट बनाने की जरूरत नहीं R equivalent के लिए, यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं कितना? 2 ohm, 1 ohm and 3 ohm. Therefore, R equivalent equal to 2 plus 1 plus 3. First part khatam. First part khalas. Phir second find out karenge. Current. Through cell. What is I का formula? V upon R. Something wrong I have done. Who will tell me what is wrong I have done? मैंने गलत क्या किया? R internal resistance. That's very good. Very good, Prisha. बहुत अच्छा आंसर दिया परीक्षा आपने, बहुत अच्छा आंसर दिया। टू एम्पियर, बट दिस इज व्हाट दे आर नॉट आस्क्ड, ये पूछा नहीं वो लोग ने, ये नहीं पूछा है, ये लोग ने पूछा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच। बिठा दो इसको, एक बार रूलर मार दो, रूलर प्रिशा विधि माज अफीफ, रूलर मारूं क्या? यस यस ओके सुनो, आर इक्विवेलेंट ये दोनों का आया टू, ये दोनों का आया थ्री, क्योंकि R1 R2 upon R1 plus R2 formula, फिर इसका नया सर्किट इसके बदले दो, इसके बदले एक, इसके बदले तीन, these three are in series, therefore R equivalent will be 2 plus 1 plus 3 equal to 6. But current, ये जो I है, ये हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? I equal to E upon R plus छोटा, T कितना है? 14, R कितना है? 6, small R कितना है? 1, तो 14 by 7 equal to 2, equal to 2, लेकिन ये पूछा नहीं, वो लोग ने पूछा है, इसमें कितना जाएगा, 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 कितना कितना करंट जाने वाला है, राइट? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। इसे मिटा दूं? बोलो बोलो, इसे मिटा दूं क्या? इतना मिटाऊं? यस नो, यस सर, हाँ यस ना, यस सर, ओके। हमको अब एक एक करके बताते हैं, यहां तक आया कितना एम्पियर? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर में से यहाँ पे सपोज गया, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग, तुम लोग मुझे बताओ ना कौन सा अच्छा लगता है आपको। आई वांट टू टेल यू वन सिंपल वे, सपोज एक पाइप है,
इसमें 10 लीटर पानी आ रहा है, 10 लीटर यहाँ तक 10 आ रहे हैं, यहाँ पे दो पाइप में डिवाइड हो गए इस 10 लीटर को, तो यहाँ पे सपोज गया 3 लीटर, तो यहाँ पे कितना लीटर गया आउट ऑफ 10 लीटर, 3 लीटर उधर गया तो इधर कितना जाएगा, बोलो 7 लीटर। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, यहाँ पे सपोज x लीटर था, यहाँ पे y लीटर गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा नंबर ऑफ अननोन्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स कम हो जाते हैं। इधर देखो सपोज यहाँ पे गया i, यहाँ पे गया आउट ऑफ 2 एम्पियर यहाँ गया i, तो फिर भी यहाँ पे कितना जाएगा एनीबडी, वहां पे आई गया आउट ऑफ 2 आई उधर गया तो इधर कितना आएगा आई माइनस 4। नो नो नो, 2 माइनस आई 4 कहां से आया, अरे यार इधर देख आफिफ, यहाँ पे 2 था, 2 लीटर पानी था सपोज, 2 लीटर में से आई लीटर उधर गया तो बचा कितना, यहाँ पे कितना जाएगा, 2 लीटर में से आई चला गया है तो बचा कितना, अरे 2 लीटर में से आई गया तो बचा कितना आफिफ, क्या विल बी 2 माइनस आई नो, बस तो 2 माइनस आई। हु सेड समथिंग एल्स, क्या बोला था, 4 वाला किसी ने यूज किया था 4, ऑलराइट 2 माइनस आई। तो मुझे बताओ क्या 4 एंड 4 आर इन पैरेलल, सिंस 4 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, therefore v across v1 equal to v2, and therefore इधर करंट कितना है यहाँ पे, चलो इसके अंदर करंट कितना है, करंट इस लूप में करंट कितना है, इस लूप में यहाँ पे ab के ऊपर वाले पार्ट पे करंट कितना है, बोलो ना व्हाट इज द करंट, इधर कितना है करंट, यार ओके okay, ये 2 एम्पीयर यहाँ पे, इधर करंट गया आई, इधर करंट आया 2 माइनस आई, तो इधर करंट कितना ऊपर आई, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आई आर, कह रहे आई इंटू 4 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखू, कौन बताएगा यहाँ पे, तो 2 माइनस आई इंटू 4 बिकॉज ओम्स लॉ बी इक्वल टू आई इंटू आर, दिस 4 गेट्स कैंसल, therefore I equal to 2 minus I, therefore 2I equal to 2, therefore I equal to 1 ampere, therefore 2 minus I is also 1 ampere, therefore current through each 4 ohm equal to 1 ampere, इधर भी 1 ampere, इधर भी 1 ampere, एक पार्ट खत्म किया हमने, this is in part AB, AB का part खालास। Now come to part BC, BC का oral answer है, who will tell me how much current flows through 1 ohm? एक बार ये ruler मारूं क्या इसको? ये ruler मारूं एक बार? Yes sir। Okay, देखो, ये four ohm दोनों parallel में हैं क्या? खाली इतना बोलो, दोनों parallel में हैं या नहीं? बोलो। Yes sir। So therefore potential difference across this 4 ohm equal to potential difference across this 4 ohm, but potential difference equal to I into R as per Ohm's law, since V equal to I R, yahan likh deta hun. So yahan pe V1 mein I part is I, can you see, and R part is Ohm, so I R, aur idhar niche kya hai, I part is 2 minus I and resistance is 4. 4 gets cancelled, I equal to 2 minus I, minus I yeah, so 2I equal to 2, I equal to 1, and 2 minus I and a 2 minus 1, which is also 1, so 1, 1, either se bhi 1, either se bhi 1. Ek bar aur repeat karun ki samajh gaye? Koi doubt hai to mere ko bolchne ga, sir, wo wala part nahi samajh mein aaya, sir, how you got this 2 minus I into 4, aisa pooch sakte ho tum log, ha? Don't keep doubts with you. Don't keep doubts with you. Is it me down? Yes, sir.
ओके अभी हम लोग बीसी में जाते हैं, बीसी में कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर. सी द करंट थ्रू बीसी विल बी 2 एम्पियर. देखो मैं बताता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको, समझाता हूँ. यहाँ से समझो 10 लीटर पानी, यहाँ से पाइप वन और यहाँ से पाइप टू, फिर ये दोनों पाइप का मिलन हो गया फिर से इधर. तो मुझे इतना बताओ, 10 में से इधर समझो 3 लीटर गया था, इधर 7 लीटर गया था, तो दोनों आखिर मिलते तो वापस कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 10 लीटर. तो सिमिलरली यहाँ पे 2 एम्पियर आया था, 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, ऐसे दोनों का मिलन हुआ, तो करंट थ्रू बीसी विल अगेन बी 2 एम्पियर. करंट थ्रू बीसी विल बी 2 एम्पियर. करंट थ्रू 1 ohm will be equal to 2 ampere. सीधा लिखा है, इसमें कुछ explanation की जरूरत नहीं है. अरे current through CD क्या होगा? यहाँ पे once again we say, suppose यहाँ से आया 2 ampere, यहाँ तक आ गया था 2 ampere. यहाँ तक कितना आया था? यहाँ पे गया I. यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे कितना आया नीचे? अभी वापस दूसरी टेक्निक से आंसर निकालो, मेरे को बताओ कितना होगा. सिंस 6 ohm एंड 6 ohm आर इन पैरेलल, सिंस 2 minus I into 6. That's right. Lovely answer, Vidhi. Therefore, current through each 6 ohm to 1 ampere. हाँ चलो एक बार ये रूलर मारू की समझ गए हो, एक बार रूलर मारू की समझ गए हो. मार ओम जीतू, यस सर, यू अंडरस्टूड दिस? डू यू, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके तो एक होमवर्क लिखो, सिमिलर आज ही चाहिए मेरे को, मुझे आज ही चाहिए होमवर्क. लेकिन आप पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, फाइनल आंसर का डायग्राम. डायग्राम से मुझे बहुत अच्छा लगता है. देखो